What's going on? आज मैं आपके लिए एक और सबसे अलग तरह की साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल मूवी रेड लाइट्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आईएमडीबी पर 6.8 की रेटिंग है और मूवी को इसके कहानी के लिए बहुत सराहा गया, स्पेशली इसके अजीब एंडिंग के लिए। इसलिए और समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत में मार्गरेट और टॉम दूर गांव में बसे एक परेशान फैमिली के घर विजिट करते हैं, क्योंकि जब से वो फैमिली वहां शिफ्ट हुई है उन्हें घर में कोई भूतिया साया टेररिज कर रहा है, जिसके कारण उनकी फैमिली बहुत घबराई हुई है और इसलिए दोनों अपने आधुनिक इक्विपमेंट के मदद से इसकी जाँच में लग जाते हैं, जिसमे फैमिली की एक और पड़ोसी एक विच हंटर ट्रेसी भी शामिल होती है। अननोन पावर से कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेसी एक ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, जिसके कुछ देर बाद का टेबल जोरों से झटके खाने लगता है और तेज थर्ड की आवाज सुनाई देने लगती है। पर सरप्राइजिंगली टॉम को अपने मॉनिटर पर कोई भी अजीब रीडिंग्स नहीं मिलती। फैमिली इतना डर जाती कि तुरंत इसे रोकने की मांग करती है और रिचुअल ट्रेसी के तेज चीख के साथ थम जाती है। पर यही तो मार्गरेट और टॉम माहिर है। अपने इन्वेस्टिगेशन से उन्हें समझ जाता है कि ये सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स का फेक सेटअप था घर के हेड को डराने के लिए, क्योंकि उन्हें ये जगह पसंद नहीं है और घर के हेड रिटर्न लौटने के लिए तैयार नहीं है। टेबल का मूव करना दरअसल ट्रेसी अपने कुछ ट्रिक्स की मदद से पैरों से लिफ्ट करके हिला रही थी, वहीं बीच बीच में जो जोरों की आवाज आ रही थी वो उनके बच्चों का किया था, जिनकी मजबूरी समझकर दोनों घर के हेड को बिना रिवील किए चले जाते हैं। और अब हमें दोनों के बारे में और क्लियर होता है। मार्गरेट एक साइकोलॉजिस्ट पिछले 30 साल से पैरानॉर्मल फेनोमेना पर स्टडी कर रही है और उनका प्राइमरी काम फेक मैजिशियंस और उन लोगों को एक्सपोज करना है जो खुद के पास साइकिक एबिलिटीज होने का दावा करते हैं, पर वहीं वो खुद भी उस मिराकल के खोज में है जिनका उनके पास भी कोई साइंटिफिक जवाब ना हो, जिसके तलाश में फिजिसिस्ट टॉम भी उनका साथ देता है। टॉम मार्गरेट के लिए फरिश्ता से कम नहीं होता, क्योंकि वो एक काबिल फिजिसिस्ट होने के बावजूद जिसे कहीं भी अच्छी नौकरी मिल सकती है उसने उनकी फ्री में मदद करने का तय किया। पर जब भी वो उससे सवाल करती कि वो आखिर आया कहां से और वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो हमेशा टॉपिक को टाल देता है। मार्गरेट और टॉम एक दूसरे के लिए बहुत करीब होते हैं और वो सीन वहीं कट होकर एक प्रसिद्ध मैजिशियन मिस्टर सिल्वर की तरफ मुड़ जाती है। मिस्टर सिल्वर दरअसल कुछ साल पहले काफी प्रसिद्ध थे अपने साइकिक एबिलिटीज के लिए, जो किसी को भी ब्लाइंड होने के बावजूद क्योर करने की शक्ति का दावा करते थे और हर जगह उनके शोज हुआ करते थे। पर एक शो के दौरान किसी जर्नलिस्ट ने उनके एबिलिटीज पर सवाल उठाया और वो अगले दिन अपने घर पर मरा मिला। ऑल्दो फोरेंसिक जांच के बाद यही साबित हुआ कि उसे हार्ट अटैक हुआ था, पर उसके ठीक बाद से मिस्टर सिल्वर बिना कुछ कहे लोगों के नजर से गायब हो गए। पर अब 30 साल बाद उन्होंने कमबैक करने का तय किया, जिसके पीछे उनकी शो की बुकिंग हाउसफुल साबित होती है। उसी दौरान टॉम और मार्गरेट के स्टूडेंट मोनिका के बीच केमिस्ट्री डेवलप होती है, जहां अपने पहले डेट में टॉम मोनिका को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने के अलावा कि कैसे लोग दूसरों को फूल करते हैं वो एक इमोशनल कहानी भी अपनी शेयर करता है कि आखिर क्यों वो मार्गरेट के लिए फ्री में काम कर रहा है। क्योंकि किसी गांव में एक माँ ब्लाइंडली एक साइकिक पर विश्वास किया करती थी, फिर एक दिन अचानक से उन्हें पेट में तेज दर्द होने लगा, पर साइकिक के अनुसार उन्हें सिर्फ हल्का गैस्ट्राइटिस की बीमारी है, पर बाद में पता चला कि उन्हें स्टमक कैंसर है और अंत में वो चल बसी। पर वो मोनिका को ये कंफर्म नहीं करता कि ये कहानी उसकी है या किसी और की, और वो सीन वहीं कट होकर मार्गरेट की तरफ मुड़ जाती है, जो मिस्टर सिल्वर के रिटर्न लौटने के आर्टिकल पर काम कर रही होती है, जिन्हें कोई बीमारी भी है जिसके कारण वो प्रिस्क्रिप्शन भी फॉलो करती है। कुछ सेकंड्स बाद वो कॉफी लेने बढ़ती है और उनकी नजर अपने एक फैमिली पिक्चर पर अटक जाती है, और जिसके ठीक बाद उनका फोन रिंग करने लगता है। वो कॉफी का मग वहीं रखकर फोन रिसीव करती है, पर सामने से कोई जवाब नहीं देता। पर अब जैसे ही वो अपना कॉफी मग पिकअप करती है, वो एकदम से शॉक उनके मग का स्पून मुड़ा हुआ मिलता है। पर आखिर कैसे, क्या इसके पीछे सिल्वर का हाथ है, ये क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अगले दिन दोनों मोनिका के साथ एक न्यू फेक साइकिक को एक्सपोज करने के मिशन पर लग जाते हैं, जो मिस्टर सिल्वर का चेला रह चुका है, जिसकी क्योर करने की शक्ति पर ब्लाइंडली विश्वास करते हुए लोग दूर दूर से जमा होने लगते हैं। पर मोनिका और हम यहाँ लर्न करते कि कैसे ये फेक लोग सबसे पहले अपने डिस्गाइज्ड एजेंट्स के मदद से क्राउड में लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं, और जब शो शुरू होता है
तब उन्हीं का दूसरा एजेंट सीक्रेटली होस्ट को रिसीवर पर सारी जानकारी शेयर करता है कि ऑडियंस में कौन कहां, उसका नाम और उन्हें क्या परेशानी है। इस तरह वो मासूम ऑडियंस को ऐसा दर्शाने में सफल हो जाते हैं कि उनके पास सच में साइकिक शक्ति है जिसकी मदद से उसने उनके बारे में जाना और वहीं के वहीं उन्हें क्योर करने का दावा भी करते हैं। पर अंत में प्रूफ के साथ वो दोनों के हाथों पकड़ा जाता है और अब टॉम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट में मिस्टर सिल्वर को इन्वेस्टिगेट करने का सलाह देता है, पर मार्गरेट किसी कारण से उससे दूर रहना ही उचित समझती है, पर क्यों हमें कुछ ही देर में समझेगा। अब अगले दिन मार्गरेट को टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहां वो मिस्टर सिल्वर की एबिलिटीज पर भी सवाल उठाती है कि उनके शक्ति को तभी माना जा सकता है जब तक साइंस से प्रूव ना करे कि वो फेक नहीं है। ये लाइव इंटरव्यू टॉम भी देख रहा होता है और सरप्राइजिंगली वो पहले ही समझने लगता है कि वो लोग अब मार्गरेट को कॉर्नर करने वाले हैं और वो सून टूटने वाली जब उनमें से एक उसके बेटे के कंडीशन के बारे में सवाल उठाएगा, और ठीक वैसा ही साबित होता है जिसके गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। मोनिका खुद भी उसके इतने एक्यूरेट गेस से हैरान हो जाती है कि उसने कैसे इतने आसानी से मार्गरेट के सारे बातें पहले ही समझ गया। टॉम मजाक में बताता है कि क्योंकि वो एक साइकिक है, पर अब उस इंटरव्यू का एंडिंग उन पर भारी पड़ जाता है क्योंकि इससे सिल्वर को और भी फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है और उल्टा उनके काम पर अब सवाल उठने लगता है जो टॉम को जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक फेक इंसान को इस तरह से जीतते नहीं देख सकता और बार बार उन्हें इंसिस्ट करता रहता है कि उन्हें तुरंत मिस्टर सिल्वर को इन्वेस्टिगेट करना होगा। पर मार्गरेट उसे शांत करने के बाद अब वो अपनी लाइफ की एक बात शेयर करती है कि क्यों वो सिल्वर से दूर रहना उचित समझ रही थी, क्योंकि बचपन में खेलते दौरान उसका बेटा गिर पड़ा और आज भी उसके कारण वो कोमा में है। पर मार्गरेट हार नहीं मानी इस उम्मीद में कि कभी तो उसे होश आएगा और आज भी उसे वेंटिलेटर पर बनाई रखी है। कई साल पहले इसी तरह सिल्वर और उसका टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था जहां मार्गरेट ने उसकी एबिलिटीज को चैलेंज किया था, पर चालाक मिस्टर सिल्वर को दूसरों के रग पर कैसे चोट करना है ये वो अच्छे से जानता था, इसलिए उसने उसके बेटे के कंडीशन को यूज करते हुए पब्लिक के सामने झूठा क्लेम किया कि वो उसके बेटे के परछाई को देख सकता है जो उसे पुकार रहा है कि मार्गरेट को उसे जाने देना होगा। इस बात ने उसे इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया कि कुछ ही सेकंड्स के लिए ही सही, पर उसके दिमाग में भी वो डाउट आने लगा। तब से वो उससे दूर रह रही है और उसे भी वार्न करती है इससे पहले कि वो भी उसके साइकोलॉजिकल टॉर्चर का शिकार बने, पर जिद्दी टॉम नहीं मानता और सिल्वर के शो को भी एक्सपोज करने पड़ता है जहाँ सिल्वर सबके सामने बिना देखे अपने नंगे हाथों से एक पेशेंट के ट्यूमर को निकाल कर ये क्लेम करता है कि वो अब क्योर हो गया है, कि उसके पास अब भी सुपरनेचुरल एबिलिटीज है। पर टॉम उसका भांडा फोड़ने के इरादे से जैसे ही टॉम अपना रिसीवर डिवाइस एक्टिवेट करता है मानो सुपरनेचुरली सिल्वर उसका आहट महसूस कर लेता है और उसके तुरंत बाद थिएटर्स के लाइट और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। टॉम डेड शॉक उनके एबिलिटी से वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि बिना किसी मशीन से वो उन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता, पर उसकी परेशानी तो अब बस शुरू ही हुई होती है क्योंकि घर लौटने पर उसे मार्गरेट मरी मिलती है। इतना कम नहीं कि अगले दिन लेक्चर के दौरान उसे भी मार्गरेट की तरह किसी अनजान का कॉल आता है जो फिर से जवाब नहीं देता, पर उसका शक सीधे सिल्वर पर पड़ता है और तभी झटके में एक चिड़िया विंडो से टकराकर अपनी जान दे देती है और अब वो धीरे धीरे मार्गरेट की बात का असल मीनिंग समझने लगता है कि कैसे सिल्वर अपने दुश्मन के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। पर टॉम अब भी हार नहीं मानता और सबसे पहले उसी फेक साइकिक से जेल में सवाल करता है कि क्या उसने सिल्वर को पहले ही बता दिया था कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, पर वो ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर देता है और उसे सिल्वर से दूर रहने का चेतावनी देता है क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस इंसान है। पर जाहिर तौर पर टॉम रुकने को तैयार नहीं होता और अब सिल्वर के कॉन्वे का पीछा करने लगता है, पर यहाँ भी उसकी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि उन्हें उसका पीछा करने का भनक लग जाता है और उसे गाड़ियों के बीच अटकाकर निकल जाते हैं। हैरानी की बात कि फिर से कोशिश करने पर उसके गाड़ी के सामने एक बुजुर्ग मरते मरते बचती है और वो अजीब इशारे करने लगती है और तभी रेडियो भी अचानक में शुरू हो जाता है और वो सीन वहीं कट होकर टॉम की आंखें अचानक में खुलती है और वो खुद को हवा में तैरता पाता है। इतना कम नहीं कि सामने उसे अपने ही एक और ईवल रूप नजर आता है और वो मानो धीरे धीरे उसकी तरफ खींचा चला जाता है। पर झटके में उठने पर टॉम को लगता है कि ये शायद से सिर्फ एक सपना था, पर उसे फिर से झटके में फ्लैश में सिल्वर का इल्यूजन दिखाई देता है। इतना कम नहीं कि उसे किसी का आहट भी महसूस होता है, पर चेक करने पर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आता। वहीं अब रूम का लाइट भी डिम होने लगता और फिर से उसके डोर पर एक चिड़िया टकराती है। सिल्वर का इसके पीछे होने के शक में वो घर के बाहर चेक करने पड़ता है, पर आखिर में खुद को ग्लास के टुकड़ों पर पाता है। पर जब वो अपने रूम लौटता है
उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। पर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसे बाहर गए कुछ ही सेकंड्स हुए थे। वहीं डोर पर मोनिका थी और विंडो भी लॉक था, पर क्योंकि उसके साथ कुछ भी एक्सप्लेनेबल नहीं घट रहा होता है, उसका टीवी अपने आप शुरू हो जाता है और न्यूज से उसे पता चलता है कि सिल्वर ने अपने आगे होने वाले सारे शोज कैंसिल कर दिए, जब तक वो ये साबित ना करे कि उसमें सच में साइकिक एबिलिटीज हैं, ताकि वो मार्गरेट के एलिगेशंस को झूठा साबित कर सके। वहीं टॉम भी तब तक शांति से नहीं बैठ सकता जब तक वो सिल्वर को पाखंडी ना साबित कर दे। अब पूरे न्यूज में मीडिया में बात फैल जाती है और साइंटिस्ट अपने एडवांस और सर्टिफाइड इक्विपमेंट के मदद से टेस्ट करने से पहले उनकी छानबीन करते हैं। उनके वॉच तक को वेरीफाई किया जाता है, जिस पर सिल्वर उन्हें ध्यान देने को कहता है, क्योंकि ब्लाइंड लोगों की वॉच स्पेशल होती है जिसका डायल एक्सेसिबल होता है, जिसे वे छूकर महसूस करके टाइम के बारे में पता कर सकते हैं। पहले टेस्ट में वो कुछ कैमरास और गिज्मो रॉड के मदद से वेरीफाई करते कि क्या सच में सिल्वर अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट कर सकता है, पर उन्हें कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। दूसरे में कि क्या वो बिना किसी चीज को हाथ लगाए बेंड कर सकते हैं, वो इसमें भी पास नहीं होते, पर हाथ में पकड़ने पर आसानी से बेंड कर देते हैं। तीसरे में वो मैजिकली पानी के रुख को बदलने में सफल हो जाते हैं, पर टॉम अब भी कन्विंस नहीं होता। उसे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता कि सिल्वर ने वही दिन क्यों चुना जिस दिन उनके टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश होगा और उसी दिन इसी शहर में उनका शो का फिनाले भी होने वाला है। उसके हिसाब से ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि अगर साइंस ने उनके एबिलिटीज को गॉड गिफ्टेड घोषित कर दिया तो लोग ब्लाइंडली उनकी पूजा करने लगेंगे। टॉम अपने एक स्टूडेंट को उनके टेलीपैथी के एक टेस्ट के वीडियो क्लिप्स को एनालाइज करने में लगा देता है, किसी भी गड़बड़ का पता करने के लिए, क्योंकि यही एक टेस्ट है जिसे वो ध्यान से देख नहीं पाया, जहां सिल्वर एक क्लोज रूम में उन्हें उनके साथी सेंडर के दिमाग में चल रहे नंबर को गेस करना है, जो सेंडर के स्क्रीन पर साइंटिस्ट द्वारा दिखाया जाता है, और नंबर देखते ही सेंडर को एक रेड बटन प्रेस करना है जिससे सिल्वर को एक बजर सुनाई देगा और वो टेलीपैथी के मदद से वो सेंडर के दिमाग में वही नंबर को रीड करके अपने सामने दिखाए नंबर को प्रेस करना है और दोनों एक दूसरे को ना तो सुन और ना ही देख सकते हैं। पर इस टेस्ट में सिल्वर किसी और को एज सेंडर नहीं रखता, क्योंकि उनके हिसाब से उनका साथी उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करते हैं। वहीं टॉम खुद सिल्वर के लोकेशन का पता लगाकर उनकी छानबीन करने बढ़ता है, जहां वो लोगों को अपने वरदान की मदद से क्योर करने का दावा करते हैं, पर वहां से उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलता। अब फाइनली टेस्ट पब्लिश करने का दिन, जहां साइंटिस्ट घोषित करने वाले कि सिल्वर सच में गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई भी फेक एबिलिटीज का सबूत नहीं मिला है। एक्सपर्ट्स खुद भी हिचकिचाते हैं रिपोर्ट पर साइन करने के लिए, क्योंकि इसका मतलब साइंस को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ टॉम हारा हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सिल्वर का शो अटेंड करता है, पर सिल्वर के लोगों को पता चलने पर कि कहीं वो कुछ गड़बड़ तो ना करे, वो उसे बहुत पीटते हैं। वहीं मोनिका टॉम के लिए परेशान, वो उसके घर पहुंचती है और उसे टॉम के इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब पता चलता है, इसलिए उस स्टूडेंट के साथ मिलकर फुटेजेस को एनालाइज करने लगती है। और तभी स्मार्ट मोनिका का ध्यान सिल्वर और उस सेंडर के वॉच पर पड़ता है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है कि दोनों ने एनालॉजिकल वॉच पहना हो। जब वो दोनों के वॉच को जूम करके एनालाइज करती है, मोनिका को सिल्वर के ट्रिक के बारे में सब समझ जाता है। दरअसल सिल्वर और सेंडर का सेकेंड्स एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज था और उनके ट्रिक के अनुसार उन्होंने 1 to 10 नंबर को 60 सेकंड्स में बांटा था, जिसके मुताबिक हर 6 सेकंड्स एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही सेंडर को साइंटिस्ट से नंबर मिलता है, वो नंबर के अनुसार सेकंड्स के डायल को उसी करस्पॉन्डिंग सेकंड्स पहुंचने तक रुकता है और सेकंड्स डायल के उस पोजीशन पर रीच करते ही वो रेड बटन को क्लिक करता है और इस बेसिस पर सिल्वर तुरंत उसके नंबर को समझकर वही सेम नंबर प्रेस करता है। अब इसे मैं थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि इमेजिन कीजिए कि साइंटिस्ट ने सेंडर को 5 नंबर दिखाया, तो सेंडर उसके वॉच में सेकंड डायल का ठीक पोजीशन पर पहुंचने पर रेड बटन क्लिक करेगा और सिल्वर को जिस समय वो बजर सुनाई देगा, वो अपने सेकंड्स के डायल के पोजीशन के बेस पर नंबर का पता कर लेता है। यही कारण है कि सिल्वर टेस्ट से पहले साइंटिस्ट को उसकी वॉच के लिए इतना केयरफुल होने का निवेदन किया था। अब अगर आप सोच रहे होगे कि सिल्वर को स्क्रीन पर कौन सा नंबर प्रेस करना है, ये कैसे दिखाई दे रहा था, वो नंबर्स ब्रेली लैंग्वेज में लिखा होता है जो सिर्फ ब्लाइंड लोग आसानी से समझ सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कि अगर उनका थियरी सही है, तो सिल्वर को वॉच के डायल को हाथ लगाकर नंबर को गेस करना जरूरी था, जो उसने पूरे टेस्ट के दौरान नहीं किया। और तभी उनका दिमाग चमकता है कि
इसका मतलब सिल्वर अंधा नहीं है। अब तक वो सभी को उल्लू बना रहा था, पर एज एन ऑडियंस हमें अब सवाल आ रहा होगा कि अगर सिल्वर सच में पाखंडी है तो उन मैजिक्स का क्या? वेल, अगर आप रिसर्च करोगे तो ये सब केमिकल रिएक्शन या इयर्स ऑफ ट्रेनिंग की मदद से अचीव किया जा सकता है। यहाँ टॉम अब और भी गुस्सेल और हारा हुआ, वो मानो बहकी बहकी बातें करने लगता है और खुद को दोष देने लगता है कि उसे मार्गरेट को बताना चाहिए था। वहीं सिल्वर पूरी तरह से तिलमिलाया एक्टिंग करने लगता है कि वो उसके करीब ना आए, वरना वो उसे अपने शक्ति की मदद से भस्म कर देगा। पर टॉम नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है, और फिर देखते ही देखते पूरा थिएटर शेक करने लगता है। लाइट्स फिर से फूटने लगती है और भूकंप के झटके भी महसूस होने लगते हैं। लकीली कुछ देर बाद सब थम जाता है। टॉम अब उसका पोल खोलने के लिए अचानक से उसकी तरफ कॉइन फेंकता है, जो वो गलती से बचाव में कैच कर लेता है, और अब टॉम उसका सबके सामने पोल खोलने में सफल हो जाता है। पर अब सिल्वर पागलों सा बड़बड़ाने लगता है कि उसने ये आखिर कैसे किया। वो रिपीटेडली उससे जवाब मांगता है, पर टॉम बिना जवाब दिए चला जाता है, और अब मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है। शुरुआत से मार्गरेट जिस इंसान की तलाश में थी जिसमें सच में साइकिक शक्ति हो, उन्हें कभी खबर नहीं रहा कि एक ठीक उनके बगल में था, क्योंकि टॉम खुद एक पावरफुल साइकिक, उसमें टेलीपैथी और सुपरनेचुरल शक्ति है, जिसका पहला क्लू हमें तब मिलता है जब वो मोनिका को कॉइन गायब करने का ट्रिक दिखाता है, और दूसरा वो लाइव टीवी शो पर मार्गरेट के बोलने से पहले ही वो उनके सारे बोल पहले से ही पढ़ लेता है। मार्गरेट के कॉफी मग में वो बेंड स्पून भी टॉम ने किया था, उन्हें एक होप देने के लिए कि साइकिक एबिलिटीज के लोग एग्जिस्ट करते हैं। टॉम जानबूझकर अपने एबिलिटीज के बारे में रिवील नहीं करता, और फेक साइकिक लोगों को एक्सपोज करने के पीछे था, क्योंकि रियलिटी में वो खुद अपने जैसे लोगों की तलाश में था, कि वो इकलौता नहीं है इस धरती पर इस खोज के चक्कर में उसने मार्गरेट से कभी कन्फेस ही नहीं किया कि उसके पास खुद साइकिक एबिलिटीज है, जिसका उसे रिग्रेट होने लगता है। अब तक थिएटर में लाइट्स का एक्सप्लोड होना, बर्ड्स का विंडो से टकराना, खुद का परछाई दिखाई देना, हवा में लेविएट इनकमिंग कॉल, वो रेडियो और टीवी अपने आप टर्न ऑन होना, उस वुमन का अजीब सा इशारा करना, और उसका पूरा घर तहस नहस होना, उसी की शक्ति ने अनजाने में किया था। वो जब भी परेशान या कंफ्यूज मूड में होता है उसके साथ ऐसा घटता है। ये सब इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बैठने लगा था कि सिल्वर में सचमुच साइकिक एबिलिटीज है। रियलिटी में सिल्वर ने मार्गरेट की हत्या नहीं की, बल्कि उनकी जान नेचुरली गई, क्योंकि उन्हें कोई सीरियस रोग था जिसके लिए वो मेड्स पर सर्वाइव करती थी। वो कॉनमैन जरूर है, पर एक किलर नहीं। मोनिका को किसी माँ के बारे में बताई कहानी दरअसल उसकी ही थी, इसलिए वो अपने बारे में रिवील नहीं करना चाहता था, वहीं दूसरों का भी उस पर विश्वास करके उनका हशर ऐसा ना हो। मूवी टॉम का मार्गरेट के लिए एक अपॉलॉजी लेटर के सैड एंडिंग के साथ एंड हो जाती है, जहां मार्गरेट के फ्यूनरल के ठीक बाद वो उसके बेटे को भी इस बदतर जिंदगी से आजाद कर देता है, जो मार्गरेट में कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अब मूवी की बात करें तो आई डोंट नो कि ये आपको कैसी लगी, पर मुझे ये एंड तक सस्पेंस में बनाई रखी, पर काइंड ऑफ मुझे इसका एंडिंग थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। हालांकि मूवी जरूर देखने लायक है, खास करके रॉबर्ट डी नीरो और चिलियन मर्फी की एक्टिंग के कारण। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।